हमारे एंटरटेनमेंट के पाक का सबसे अनमोल फूल। जी हाँ, हमारी अनुपमा जो है काव्या नामक कांटे से घिरी। भाई ये काव्या ना बहुत ही पेनफुल कांटा है, उफ। चलिए चलकर देखते हैं अनुपमा का हाल। अनुपमा के आंसू। घर छोड़ चले किंजल और तोशु। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज अनुपमा का बड़ा बेटा पारितोष यानी कि तोशु और उसकी बहू किंजल घर छोड़कर जा रहे हैं, और इसी बात पर छलके अनुपमा के आंसू। वो बेहद दुखी है। अनुपमा तोशु से बेहद प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि तोशु ने फैसला ले लिया है घर छोड़कर जाने का। मम्मी ऑब्वियसली ये डिसीजन से खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए दोनों बेटे पूरी फैमिली एक समान ही है। तो बस समर मम्मी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो ये देखने के बाद कि पूरा परिवार इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है कि यू नो तोशु भाई ने डिसीजन लिया, वो भी किसी को बिना बताए, किसी से बिना सजेशन लिए। तो बस वो चीज़ को लेकर समर भी थोड़ा अपसेट है और बस सबको चेयरअप करने की कोशिश कर रहा है इन दी एंड। मुझे नहीं जाना, क्योंकि आई लाइक बीइंग अराउंड पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किंजल को भी अच्छा लगता है। सो आई एम श्योर कि किंजल का बिल्कुल मन नहीं होगा। शी इज़ ओके विद एडजस्टिंग, बट आई थिंक नहीं, उसका मन नहीं होगा। तोशु के इस फैसले से सभी घर वालों को लगा है जोर का झटका, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो है अनुपमा। अनुपमा को अपने बच्चों से बेहद लगाव है और वो उनसे दूर नहीं रह सकती। वैसे आपको बता दे कि ये सब हुआ है काव्या की वजह से, क्योंकि काव्या की वजह से ही किंजल का प्रमोशन रुक गया, जिसकी वजह से राखी ने लिया बड़ा फैसला। राखी ने किंजल और तोशु के नाम पर अपना पेंट हाउस कर दिया है और तोशु और किंजल को काव्या से दूर रहने को कहा है। तोशु भाई के हिसाब से घर पे जो ड्रामास हो रहे, जो तमाशे होते रहते काव्या के आने के बाद, और यू नो ये सब जो छोटे मोटे ड्रामा होते रहते उनकी शादी के बाद, तो उनके लिए वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया। ही वॉन्ट्स पीस, तो उस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो घर छोड़कर जाएंगे। और जबकि उनकी जो मदर इन लॉ है जो राखी दवे हैं, उन्होंने उन्हें यू नो प्रोवोक किया, उन्हें वो आइडिया दिया कि यू नो आप तुम दोनों मेरे पेंट हाउस में रह सकते हो, मैंने वो पेंट हाउस तुम दोनों के नाम कर दिया है। सो भाई तो कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब वो उनके पास एक जगह है रहने की। वैसे आपको बता दें कि तोशु ने घर छोड़ने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब तक तोशु और किंजल घर छोड़कर नहीं गए हैं। ये सब ड्रामा तो बस अनुपमा का इमेजिनेशन है। वो सोच रही है कि किंजल और तोशु घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग को भी पता नहीं है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या होगा, या तोशु वेदर ये लोग सच में शिफ्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, डिसीजन चेंज होगा, ये अभी तक लिखा नहीं गया है। बट अभी तक हमको यही पता है कि ये लोग घर छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं और जगह देखने गए हैं एज पर राखीज इंस्ट्रक्शंस। तो अभी कन्फर्म नहीं क्या हुआ है, ये अभी तक किंजल ने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कॉन्वर्सेशन यही हुई है कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन मी नाउ कि वेदर आई वॉन्ट टू गो और नो, बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही डिसीजन होगा। सो लेट्स सी इट्स अब क्या डिसाइड होता है, बट आई एम श्योर कि बहुत एक्साइटिंग होगा और बहुत अच्छा होगा और बहुत ट्विस्टिंग होगा। तो भाई अब देखना होगा कि क्या वाकई तोशु और किंजल घर छोड़कर चले जाएंगे या फिर कहानी में आएगा नया मोड़। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।